22 पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस BF3NO2- NH2- एंड वाटर द सेंट्रल एटम इज SP2 हाइब्रिडाइज्ड। तो देखिए BF3 जो होता है इसकी शेप होती है, इसमें टोटल जो शेप होती है ट्रायगोनल, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा SP2। और जो NO2- होता है उसकी भी शेप होती है ट्रायगोनल और उसका भी इसलिए हाइब्रिडाइजेशन आएगा SP2। बाकी दोनों NH2- और H2O इन दोनों का ही आपका SP3 होंगे।